बार फिर से मेरे न्यूरिटी जर्नी 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। आज मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी हैं। तो सर, कृपया बताया जाए एसएस मद और जीओ मद का आवंटन कब तक जिला में प्राप्त होगा, क्योंकि लगातार व्हाट्सएप ग्रुप पर 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा का मैसेज आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर किया जाए। देखिए, समग्र शिक्षा अभियान से वेतन पाने वाले शिक्षकों के लिए जी आज ही 15 अरब की राशि का चेक अभी लेखा शाखा से जी ट्रेजरी लास्ट टाइम में यानी 6 बजे के आसपास जो है वो ट्रांसफर किया गया है जी। तो अब कल अगर शाम तक ट्रेजरी बिहार शिक्षा परियोजना को राशि ट्रांसफर कर देती है ना जी जी, बृहस्पति से शुक्रवार तक भी भुगतान हो सकता है। इनकेस अगर कल राशि नहीं भी ट्रांसफर किया, परसों भी करेगा, तब पर भी शुक्रवार तक भुगतान होने की संभावना है जी। तीन केस यदि परियोजना में पदाधिकारी डायरेक्टर अगर परियोजना डायरेक्टर जो है नहीं रहे कहीं इधर उधर है ना जी, तो किंतु परंतु हो सकता है तो हार्डली जाएगा तो सोमवार तक हो सकता है, लेकिन उससे संभावना है कि शुक्रवार तक जी। अगर ससमय जैसे काम विभाग से हो रहा है उस हिसाब से अगर सभी लोग की उपस्थिति अगर कार्यालय में रहे जी, तो शुक्रवार तक समग्र शिक्षा अभियान से वेतन पाने वाले शिक्षकों का मई माह की राशि इसी सप्ताह में जिला को प्राप्त हो जाएगी जी। रही बात जीओपी का, जो कि मार्च से ही वैसे शिक्षकों का वेतन प्रभावित है जी जी, और काफी लोग परेशान भी हैं ये भी मध्य की राशि के लिए जी। तो उसमें जो स्वीकृति आदेश महालेखाकार से प्राप्त हुई है जी, अभी तक उस राशि का उपबंध नहीं हो पाया है जी। फाइल तो आगे मूव किया, लेकिन जाकर सेक्शन 5 में जी वो फाइल अभी पड़ी हुई है। जब तक राशि का प्रबंध नहीं हो जाता है तब तक वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जी। और अभी ये कार्य होने में लगभग लगभग 1 सप्ताह का समय अभी लग सकता है जी, लेकिन ऐसा है कि वो भी जल्दी ही चला जाएगा जी। 1 सप्ताह में यानी अगले सप्ताह में उसको रखा जाए है ना, नेक्स्ट वीक में जीओ भी राशि भी जिला को प्राप्त हो जाएगी ठीक है जी। वेतन के बारे में टेंशन नहीं लेना है हमारे शिक्षक भाइयों को, और समग्र शिक्षा हो या जीओ भी हो मई का भी भुगतान हो जाएगा, जून का भी हो जाएगा, जुलाई में थोड़ी बहुत राशि मई का अगर केंद्रांश आ जाए या फिर राज्यांश मतलब व्यवस्थाएं होगी जैसे भी होगा, लेकिन अभी 1-2 महीना का परेशानी नहीं होगी। ये सारी चीजें हैं, वेतन का अपडेट आपका और कुछ जानकारी चाहिए तो बताएं, और सब जानकारी इसके अगले वीडियो में हम लेंगे। तब तक ले इतना ही हम रखते हैं अपडेट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से बिहार के तमाम शिक्षकों को।